सो गाइस वेलकम बैक टू अल्टी व्लॉग्स एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम एक इंटेंस कन्वर्सेशन करने वाले हैं अबाउट जो रीसेंट ऑस्ट्रेलिया ने एक पॉलिसी निकाली विच इज ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन पॉलिसी, जिसमें काफी सारे चेंजेस करे गए हैं टू स्टूडेंट वीजा, टू टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा जो अपना TR मिलता है आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, और जो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लॉज है जो पिछले न्यूज में काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी इनके ऊपर, और इसमें काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं जो स्टूडेंट्स को बुरे लगेंगे, जो टेम्पररी रेजिडेंट्स को बुरे लगेंगे। तो आज हम उसी चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले कि ये पॉलिसी क्यों निकाली गई है और इस पॉलिसी को एक बकायदा एक लॉ में ट्रांसफर करने की बात की जा रही है इन द पार्लियामेंट। तो यू मीन दैट दिस इज समथिंग दैट्स रियली सीरियस। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है कि भाई इतने एडवर्स चेंजेस ऑस्ट्रेलिया क्यों ला रही है अपने इमिग्रेशन सिस्टम में, वो ये है कि भाई कोविड में बंदे इनके पास बिल्कुल नहीं आए, बट जैसे ही जब बॉर्डर खुले थे तो भाई अंधाधुन बंदे आए हैं, बहुत भर के इन्होंने वीजा दिए हैं, और ऑलमोस्ट 94% ऑफ द लोगों को जिन्होंने वीजा अप्लाई किए थे उनका वीजा एक्सेप्ट हो गया था। तो इससे भी दिक्कत क्या आई है कि यहाँ पे बहुत बंदे भर गए हैं, माइग्रेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं बाहर से, लोग सिर्फ काम करने आते हैं, अपने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पे आते हैं, लोग परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आते हैं, और स्टूडेंट्स तो भाई हैं। तो यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन में इनको लग रहा है कि ऐसा एक सीन हो सकता है इन द कमिंग 2-3 ईयर्स, जिसके पास इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी जॉब्स बहुत कम है, यहाँ पे ऑलरेडी हाउसिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, तो दैट्स वाई चाह रहे हैं कि जो माइग्रेशन वर्कर्स हैं वो कम हो, स्टूडेंट्स जो हैं वो कम हो, इसलिए ये पॉलिसी निकाली गई है। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये पॉलिसी आपको स्टूडेंट्स को कैसे इफेक्ट करेगी, जो यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा करने आते हैं उनको कैसे इफेक्ट करेगी। एक्चुअली पॉलिसी में तो भाई बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, बट हमारा चैनल हैज बीन ओनली फोकस फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अप्लाई करते हो। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स को मेनली कैसे इफेक्ट करेगी और क्या क्या चेंजेस में आए हैं। कोई भी अगर आपको लग रहा हो कि कोई आपको पॉइंट समझ नहीं आया तो मेक श्योर कमेंट इट डाउन एंड आई विल गेट बैक टू यू। तो सबसे पहले स्टूडेंट वीजा की बात करते हैं कि स्टूडेंट वीजा में क्या क्या चेंजेस इन्होंने प्रपोज किए हैं इस नई ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन पॉलिसी के अंदर। तो भाई सबसे पहले तो इनका एक जो वर्डिंग थी वो थी कि हम लोग जो कंप्लायंस है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट करने वाले हैं। इसको मैं आपको बहुत इजी शब्दों में समझाऊं तो भाई ये क्या होता है कि जो लोग फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, गलत फंड्स दिखाते हैं, यहाँ पे आप बोलते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं बट गलत काम में लग जाते हैं, या फिर वो सिर्फ जॉब करने चले जाते हैं, तो उस चीज को ऑस्ट्रेलिया ने क्रैक डाउन करने का फैसला पहले ही कर लिया था जब उन्होंने GST लागू किया था, विच इज जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। वो एक्चुअली में जनवरी टू फरवरी का जो इनटेक होगा उसमें वो प्रॉपर एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके अंदर जो भी जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनको आने दिया जाएगा जिनके फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अपने फंड गलत शो करते हैं, फिर जो यहाँ पे सिर्फ काम करने आ रहे हैं स्टूडेंट वीजा के नाम पे, उन पे उन्होंने क्रैक डाउन करना है, और इसलिए ये लॉज इतने स्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। तो इन द फ्यूचर जो GTE होता था विच वॉज जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंस टेस्ट वो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ GST अप्लाई होगा, जिससे सिर्फ जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली में पढ़ना आना चाहते हैं सिर्फ उनको अलाउ किया जाएगा, जो लोग बाकी काम करना चाहते हैं, जो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लाते हैं, उनका वीजा भाई सीधा रिफ्यूज कर दिया जाएगा। इसका एक मेन रीजन ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया का जो एक एजुकेशन स्टैंडर्ड है भाई वो हाई रहा है शुरू से, और ये जो गलत लोग यहाँ पे आते हैं वो यहाँ का ऑस्ट्रेलियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसका लेवल डाउन करते हैं, उसकी रेपो खराब करते हैं। तो ये नहीं चाहते कि एज ए कम्युनिटी कि हमारा इतनी अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड की, ऑस्ट्रेलिया लोग पढ़ना आना चाहते हैं, इवन US कनाडा से जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आना। तो ये अपनी जो रेपुटेशन है मार्केट में उसको खराब नहीं करना चाहते, अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को गिराना नहीं चाहते, इसलिए जो कंप्लायंस हुई अब से, जो डॉक्यूमेंट में चेकिंग हुआ करेगी, जो वीजा में चेकिंग हुआ करेगी भाई, दैट विल बी मोर देन एवर। और मतलब रिसेंटली लोग काफी कह रहे थे कि वीजा के रिफ्यूजल्स रेट हमारे बढ़ गए हैं और आगे आने जाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं स्टूडेंट्स कम हो, ठीक है, यहाँ पे चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स कम आए, तो भाई वीजा का जो रिफ्यूजल रेट है वो आगे जाके और बढ़ेगा ना कि कम होगा। दूसरी जो सबसे मेन चीज जो चेंज आई है स्टूडेंट वीजा के अंदर वो है कि जो आपकी IELTS की रिक्वायरमेंट है वो 0.5 बैंड से बढ़ा दी गई है ऑल अक्रॉस द स्ट्रीम्स। अगर आप बैचलर में आ रहे हो, मास्टर में आ रहे हो, PhD में आ रहे हो, मैटर नहीं करता, जो भी पहले का नंबर था उससे 0.5 IELTS की रिक्वायरमेंट ज्यादा कर दी गई है। तो जैसे जिसका 5.5 था उसका 6 कर दिया गया है, जिसका 7 था उसका 7.5 कर दिया गया है। जैसे PhD के लोग आते हैं उनका मिनिमम बैंड पहले 7 था, तो 7 की जगह 7.5 करना पड़ेगा। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज दोनों के लिए अप्लाई होता है ये, तो आप ये मैं सोच रहे हैं कि कॉलेजेस में है तो हमें कम बैंड चाहिए होगा, फिर हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो हमें ज्यादा बैंड चाहिए होगा, वो स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, जहां पे 6 था वहां 6.5 होगा, और जितने भी बैंड की रिक्वायरमेंट थी वो 0.5 इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। इसका रीजन ये है कि भाई यहाँ पे मैंने भी चीज पर्सनल नोटिस की है और बहुत लोगों ने मेरे को बताया भी है कि लोग यहाँ पे जैसे तैसे, चाहे वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट हो या वो IELTS जस्ट क्लियर करें, PTE जस्ट क्लियर करें, उससे वो ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया इज प्राइमरली एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। अगर यहाँ पे आपका आपका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा होगा, आपके पास फंड्स हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाओगे, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है अराउंड द वर्ल्ड की भाई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज स्पीक नहीं कर सकते या फिर आपकी प्रॉपर कंट्रोल नहीं है उस लैंग्वेज पे, तो यहाँ पे आना आपका और डिफिकल्ट हो जाएगा, वीजा रिफ्यूजल के चांस और बढ़ जाएंगे। तीसरी जो मैंने आपको JST की बात बताई थी, विच इज जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट,
इसमें क्या हुआ कि पहले जो हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते थे, जीटी होता था, एसओपी होता था, हम अपनी एक प्रॉपर एक रिक्वेस्ट भेजते थे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट डालते थे, लास्ट ईयर का टैक्स रिटर्न डालते थे, वो जीटी के अंदर होता था और उसमें ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते थे तो उसमें फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होते थे एंड दैट्स व्हाई स्क्रूटनी में टाइम लगता था, वीजा आने में टाइम लगता था। बट फ्रॉम जनवरी और फरवरी, इन्होंने एग्जैक्ट एक्चुअली डेट मेंशन नहीं की, बट आई एम गेसिंग जनवरी फरवरी का जो इनटेक होगा उसमें जो जीएसटी है, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, वो एप्लीकेबल कर दिया जाएगा और उससे इनको चेक करने में आसानी होगी कि भाई कौन सा स्टूडेंट जेन्युइनली पढ़ना आना चाहता है या कौन सा स्टूडेंट फर्जी डॉक्यूमेंट पे आ रहा है। दैट इज वन ऑफ द मेजर चेंजेस व्हिच विल बी टेकिंग प्लेस ऑन द स्टूडेंट वीजास। फोर्थ जो सबसे मेन चेंज मेरे को लगा इसमें जो कि फाइनेंशियल रिलेटेड है, वो कि अब आपको इंक्रीज्ड फंड शो करने पड़ेंगे स्टूडेंट वीजा। मैं बहुत इजी समझाऊंगा, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको पहले 25 से 30 लाख रुपए दिखाना पड़ता था अपने बैंक में, विच इज वन ईयर ऑफ ट्यूशन फीस और वन ईयर ऑफ लिविंग एक्सपेंस, मान लो अगर वो 25-30 लाख के बीच होता था तो अब वो आपको 35-40 लाख दिखाना पड़ेगा। तो इट्स ऑल अराउंड लाइक 20-25% इंक्रीज फंड आपको दिखाने पड़ेंगे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया चाहती है कि आप आओ यहाँ पर खर्चा करो, ये बेसिक कॉस्ट है कि जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होती है, जब हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, घर के प्राइस बढ़ जाते हैं, फ्यूल के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो नेचुरली आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग है जो आपको शो करना होता है ऑस्ट्रेलिया में आने से पहले, वो भी नेचुरली बढ़ जाएगा। तो ये चेंज भाई काफ़ी पहले इन्होंने अनाउंस किया था, बट एक्चुअली में अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि जब ये जो पॉलिसी अगर पार्लियामेंट में पास हो जाती है तो स्टूडेंट्स जो नया स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं उनको इंक्रीज नंबर ऑफ फंड्स शो करने पड़ेंगे। और भाई नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले 485 की बात करेंगे हम, उस पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्रैकडाउन क्यों किया है इन्होंने, विच इज अगेन रिलेटेड टू जिस पॉइंट पर मैंने वीडियो स्टार्ट की थी कि भाई कोविड के बाद बहुत बंदे आए हैं और यहाँ पे जो माइग्रेशन और जो माइग्रेंट पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की, विच इज रफली अराउंड 6.5 लाख पीपल, ठीक है, तो इन चीज़ों को उन्होंने कम करना है क्योंकि ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के भी लोग हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, लोग काम करने आ रहे हैं, लोग परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने आ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में जो इन्फ्लक्स है बंदों का वो भाई बहुत ज़्यादा है। और इन्होंने क्लियर स्टेटमेंट में लिखा हुआ कि हमारा टारगेट है माइग्रेशन पॉपुलेशन को कम करना। अब माइग्रेशन पॉपुलेशन में आपके स्टूडेंट्स भी आते हैं, आपके पोस्ट स्टडी वीक वर्क वीजा वाले भी आते हैं, आपके पीआर वाले भी आते हैं जो यहाँ पे पीआर हैं बट वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे क्रैकडाउन इसलिए करना है क्योंकि देखो ये बैन नहीं कर रहे बट ये चीज़ें बहुत कम कर देंगे बिकॉज इनको रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और इनकी जो प्लानिंग थी, आई डोंट नो कितने लोगों को पता होगा बट कोविड में उन्होंने प्लान किया था कि जब हम बॉर्डर खोलेंगे तो हमारा एक प्रोजेक्टेड वो था इनका कि इस स्पीड पे लोग आएंगे, इस स्पीड पे हम हाउसिंग बढ़ाएंगे, इस स्पीड पे हमारा रेंट बढ़ेंगे, तो भाई वो सारा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है क्योंकि बहुत बंदे आए, हाउसिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जा रही है और भाई जॉब्स मार्केट में है नहीं। तो दिस मेक्स सेंस टू स्टॉप द माइग्रेशन पॉपुलेशन फ्रॉम कमिंग इन, इसलिए लॉज इतने स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं। तो भाई ये बेसिक्स थे थोड़े स्टूडेंट वीजा के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं जो मेजर चेंजेस टीआर पे आए हैं, विच इज योर टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा 485 सब क्लास। 485 में भाई सबसे पहले तो भाई एक बहुत माइनर तो नहीं बोलूंगा बट एक मेजर चेंज है, विच इज की जो आपकी एज होती थी वो पहले 50 ईयर्स होती थी टू अप्लाई फॉर अ टीआर 485 वीजा। तो मतलब कि अगर आप एज लॉन्ग एज आप विद इन 50 ईयर्स के ब्रैकेट में गैप वो कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो आप इजिली पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अप्लाई कर सकते थे। अब वो 50 से कम करके उन्होंने 35 कर दिया, विच इज ऑलमोस्ट 15 ईयर्स लेस देन द प्रीवियस वन। तो अब से क्या होगा, अगर आपकी एज 35 से कम है तो ही आप एलिजिबल हो टीआर अप्लाई करने के लिए। अगर आपकी एज 35 से ज्यादा है तो रिस्पेक्ट आपने ऑस्ट्रेलिया में कितना साल रहे हो, कितना साल आपने पढ़ाई की है, कितना साल आपने काम किया, वो मैटर नहीं करता, आप 485 वीजा डालने के लिए एप्लीकेबल नहीं होगे इफ यू आर ओवर 35 इयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंपैक्ट करेगा जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या फिर जो लोग अपना टीआर डालने का प्लान कर रहे हैं, विच इज की जो 485 की ड्यूरेशन है वो एक एक साल से कम कर दी जाएगी। चाहे आप बैचलर्स में आ रहे हो, मास्टर्स में आ रहे हो, मास्टर्स बाय रिसर्च में आ रहे हो, मास्टर्स बाय कोर्स वर्क में आ रहे हो, अगर आप पीएचडी करने आ रहे हो, तो जो टीआर की जो ड्यूरेशन थी वो कम कर दी जाएगी बहुत सारे कोर्सेज के लिए। इसमें एक पॉइंट है जो काफी लोगों ने मिस किया था, वो है कि अगर आप एक रीजनल एरिया में हो तो आपके टीआर को कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपको पहले वो 2+3 का मिल रहा था तो अभी भी वो 2+3 का ही मिलेगा, अगर पहले 2+2 मिल रहा था तो अभी भी 2+2 ही मिलेगा। ये सिर्फ उन स्ट्रीम्स के लिए एप्लीकेबल है जो कोविड के बाद गवर्नमेंट ने कहा था कि इसमें हम आपको एक्स्ट्रा टीआर देंगे। और लोग क्या कर रहे थे कि पहले 3 साल का अप्लाई कर रहे थे, उसके बाद 2 साल का गवर्नमेंट अपनी तरफ से इनको टीआर एक्सटेंड करने का वो दे रही थी, इनको एक प्रोविजन दे रही थी। तो अब से जो आप सेकंड टीआर लेते हो, एक्सटेंड करते हो, वो पहली बात तो डिक्लाइन हो जाएगा, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा बट बहुत सारी स्ट्रीम्स में डिक्लाइन हो जाएगा। और जो फर्स्ट ईयर आपको मिलता था मास्टर्स के बाद, खासकर जो 3 साल का मिलता था, अब वो सिर्फ 2 साल का मिला जाएगा। अगेन इसका रीजन यही है कि भाई गवर्नमेंट चाहती है कि या तो आप पढ़ाई करके वापस अपने घर चले जाओ या पढ़ाई करके विद इन 2 ईयर्स आप अच्छी जॉब ढूंढो एंड यू प्रूव देम कि भाई यू आर बिल्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया और आपको ऑस्ट्रेलिया में ही पीआर लेना है। इससे रिलेटेड एक सेकंड पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि जो लोग सेकंड ईयर अप्लाई करते थे, जैसे आपने अपनी पढ़ाई खत्म की, आप टीआर पे चले गए, आपने अपने पॉइंट्स इकट्ठा किया, आपने नाटी दिया, आपने अपना वापस से पीटी दिया, और उस पीरियड में अगर आपका टीआर खत्म होने वाला होता है तो ऑब्वियसली आप टीआर अप्लाई कर नहीं सकते बिकॉज आपके पॉइंट्स ऑलरेडी अभी पूरे हुए नहीं है और टीआर आपका खत्म होने वाला है।
तो लोग क्या करते थे कि वो एक वापस से एक स्टूडेंट वीजा पे चले जाते थे किसी छोटे मोटे कोर्स में, छोटे मोटे कॉलेजेस में, जस्ट ताकि वो स्विला में रह सके और अपने पॉइंट्स बढ़ा सके। तो ये चीज भाई आगे जाके बहुत बहुत कम होने वाली है कि अगर आपका एक बार टीआर खत्म हो गया तो आप दोबारा से टीआर एक्सटेंड नहीं कर सकते और ना ही आप स्टूडेंट वीजा पे वापस जा सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई सारे स्ट्रीम्स के लिए वैलिड है, कुछ कुछ केसेस में क्या पता अगर आपके पास जेन्युइन रीजन हो तो अप्रूव कर भी दें, बट ये चीज बहुत कम होने वाली है बिकॉज यहाँ पे जो माइग्रेशन पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम रहती है 485 वीजा पे, और यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो 485 अपने 400 का करते हैं, स्टूडेंट पे जाते हैं फिर दोबारा से 485 ले लेते हैं। तो मतलब उनका आप ये लगाओ कि 10 से 12 साल बंदा टीआर पे ही है, या तो मतलब आप पीआर लो या आप अपने देश वापस चले जाओ, ये है इनकी आइडियोलॉजी। और आगे जाके अगेन मैं ये पॉइंट बोलूंगा कि भाई माइग्रेशन पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम करने वाले हैं ये, और ये जो पॉलिसी है जब ये लॉ बन जाएगा तो एक्चुअल में आपको इनका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट मिल जाएगा कि ये एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं, व्हाट दे एक्चुअली वांट। क्योंकि पॉलिसी में क्या होता है ना कि पॉलिसी पार्लियामेंट में डालते हो, इट कैन बी अप्रूव्ड, इट कैन बी डिसअप्रूव्ड, और बहुत सारे ग्रे एरिया होता है। तो जब ये न्यूज ऑफिशियल हो जाएगी, जब ये पार्लियामेंट में बिल पास हो जाएगा, उसके बाद से चेंजेस सारे वैलिड होंगे। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो जो ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज आपको पता हो कि स्टूडेंट वीजा में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और टीआर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट वीजा के बाद भाई बंदे का एक ही एम होता है कि लेट मी गेट अ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, काम करूंगा, या तो आप काम करके वापस अपनी कंट्री चले जाओगे, आप काम करके पीआर डालोगे। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ डिफाइनिंग सिचुएशन बन सकती हैं, इसलिए दीज थिंग्स यू आर सपोज टू नो इन एवरी डिटेल एज पॉसिबल। तो ये थे कुछ पॉइंट जो मेरे को डिस्कस करना था स्टूडेंट वीजा एंड टीआर। ऑब्वियसली जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट था जो गवर्नमेंट ने अपलोड किया था वो आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हो, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है वो, इट हैज लाइक अराउंड 120-125 पेजेस। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट वीजा का सेक्शन ढूंढ सकते हो, टीआर का सेक्शन ढूंढ सकते हो, पोस्ट स्टडी कोविड वीजा जो मिला था आपको उनका सेक्शन ढूंढ सकते हो। बट मैंने सिर्फ डिस्कस किया अबाउट स्टूडेंट वीजा एंड द टीआर बिकॉज हम स्टूडेंट वाला चैनल है और शुरू से इसी पे फोकस करते आए हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और भाई लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जिसमें आप पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो फॉर ऑल द चेंजेस। कुछ भी डाउट हो फील फ्री टू ड्रॉप इट डाउन एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।